भारत में कई ऐतिहासिक किले हैं जो अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है। ये किले अपने साथ तत्कालीन समय का इतिहास समेटे हुए हैं। आज हम राजस्थान के जोधपुर में स्थित एक बेहद ही खास किला मेहरानगढ़ के किले के बारे में जानेंगे। मेहरानगढ़ का किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है और भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक है। राव जोधा जो कि राजा रणमल के 24 पुत्रों में से एक थे, वे जोधपुर के 15वें शासक बने। वे पहले मंडोर के किले में रहते थे, लेकिन एक साल बाद ही वे सुरक्षित स्थान की तलाश में जोधपुर के भोर चिड़िया टुंक पहाड़ी की तरफ चले आए, जहां बेहद सारे पक्षी रहा करते थे। मेहरानगढ़ के किले की नींव 12 मई 1459 ईस्वी को राव जोधा ने राव नारा की सहायता से रखी। आपको बता दें कि इस किले की नींव ऐसे ही नहीं रखी गई। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस किले की नींव में राजा राम मेघवाल को जिंदा ही दफनाया गया था। इस बदले में राठौड़ ने राजा राम मेघवाल के परिवार की देखभाल करने का वचन दिया। आज भी राजा राम मेघवाल का परिवार राजबाग में निवास करता है। पहाड़ों पर किला बनने के पूर्व यहाँ चिड़ियानाथ जी नामक साधु रहा करते थे, जिन्होंने किले के निर्माण का विरोध किया। बाद में साधु को मना लिया गया। मेहरानगढ़ का किला शहर से 125 मीटर ऊपर स्थित है और यह किला मोटी दीवारों से घिरा हुआ है। किले के अंदर कई महल हैं जो अपने जटिल नक्काशी और विशाल प्रांगण के लिए जाने जाते हैं। किले से लगी एक घुमावदार सड़क है जो नीचे की तरफ जाती है। किले में चामुंडा माता जी का मंदिर है। चामुंडा माता जी राव जोधा की पसंदीदा देवी थी। मंदिर में विराजित माँ चामुंडा देवी की मूर्ति पहले मंडोर में विराजित थी, जहां से राव जोधा 1460 ईस्वी में लेकर मेहरानगढ़ किले में आए और यहां स्थापित करी। काली माता की पूजा महाराजा और शाही परिवार व जोधपुर के अधिकांश नागरिक करते हैं। दशहरे के दिन यहां काफ़ी भीड़ होती है। मेहरानगढ़ किले की दीवारों की परिधि 10 किलोमीटर तक फैली है। इनकी ऊंचाई 20 फुट से 120 फुट तथा चौड़ाई 12 फुट से 70 फुट तक है। किले के भीतर मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिले खाना और दौलत खाने हैं। किले की दीवारों पर तोप रखी है, जिससे इसकी सुंदरता को चार चांद लग जाते हैं। इस किले में 7 दरवाजे हैं व 8वां दरवाजा गुप्त है। जयपोल, जिसका अर्थ विजय द्वार है, इस द्वार का निर्माण महाराजा मानसिंह ने 1806 में जयपुर और बीकानेर पर युद्ध में मिली जीत की खुशी में करवाया था। 1707 में फतेहपोल का निर्माण मुगलों पर मिली जीत की खुशी में किया गया। वहीं 1.5 कंगर पोल से तोपों की बमबारी की जाती थी। किले का अंतिम द्वार लोह पोल है। यहाँ दौलत खाना भी है, जो मुगल शासन काल के सबसे महत्वपूर्ण और अच्छे संरक्षित कलेक्शन में से एक है। जोधपुर के राठौड़ शासकों ने मुगल शासकों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए थे। किले की बाईं ओर एक सैनिक किरत सिंह सोडा की छतरी है, जो मेहरानगढ़ की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेहरानगढ़ किले से पाकिस्तान की सीमा दिखती है और सन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान द्वारा सबसे पहले मेहरानगढ़ किले पर ही आक्रमण किया था। माता कालिका देवी की कृपा से यह किला सुरक्षित बचा रहा।